राजस्थान वायु जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। थ्रेशरों की श्रृंखला में आज हम आए हुए हैं मलोट पंजाब मालवा एग्रो इंडस्ट्रीज मलोट, जहां पर हम एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं जो गीली और सूखी दोनों प्रकार की फसलें काटेगा और वो भी बैक टोकरी से। तो हम इस थ्रेशर की जानकारी के लिए सर को आमंत्रित करते हैं। सर जी नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, हमारे किसान भाइयों का बहुत कमेंट आ रहा था कि राजेश भाई आप मलोट जाके जो मालवा कंपनी ने क्रॉप चैंपियन मॉडल बनाया है उसके बारे में एक एक जानकारी दीजिए। तो हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा इस मशीन के बारे में जानकारी दीजिए, कहाँ कैसा सिस्टम है। सर, ये पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर है जी। जी जी जी। ये धान गेहूं सरसों मूंग चना तुअर उड़द मक्का सब क्रॉप निकालती है। हाँ, मक्का वगैरह सारी मक्का वगैरह सब कुछ निकालती है। जैसे पहले अपना साइड टोकरी थ्रेशर आता था जी जी जी, और वही हिसाब से अपन ने ये बैक टोकरी नया मॉडल डिजाइन किया है। हाँ जी, तो इसका अपन ने टोकरी पीछे कर दी है। अच्छा, और अच्छा। बाकी सिस्टम सब सेम ही है लगभग। टोकरी पीछे करने का सिस्टम यहाँ आवश्यकता क्यों पड़ी? सर, कुछ कस्टमरों का कहना था कि जो एक तो टोकरी छोटी है उसकी, अच्छा अच्छा, माल कम ले रही है, जहाँ कोई थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं जाने आने में, रास्ते में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती हैं, इसकी वजह से काश्तकार ने कहा, तो इसलिए हमने टोकरी पीछे लगा दी। अच्छा, बराबर। सर, इसकी बात करें टोकरी की साइज को, तो ये कितनी कितनी चौड़ी है? ये सर 3.5 फीट के आसपास है जी। अच्छा अच्छा जी। और इससे सारा माल अंदर चला जाएगा फीडिंग सिस्टम से? हाँ जी, हाँ जी। और इसमें गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स से इसमें सर दो गियर बॉक्स लगे हुए हैं। जी, जी जी। एक तो फीडर के लिए लगा हुआ है। हाँ जी, और एक मेन शावर से जो मेन सिस्टम सारा चलाता है। जी जी। एक तो फीडर के लिए अलग है और ड्रम वगैरह के लिए, छन्ने के लिए, सबके लिए अलग है। एक देखने में तो सर बहुत बड़ी मशीन है। किसान ये चाहता है कि बड़ी बड़ी मशीन में हमको सरलता से काम हो, वो कैसे हो सकता है? सर, मशीन का हर एक सिस्टम अलग है इसका। हाँ जी, हाँ जी। हर एक पुली अपन बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं इसकी। अच्छा अच्छा, ठीक है। छन्ने के आरपीएम भी डबल दिए हुए हैं। हाँ जी, हाँ, ठीक है। इसके फीडर के आरपीएम भी डबल दिए हुए जी, हैं जी, जी। छन्ने की स्पीड, फीडर की स्पीड होगी, ड्रम की स्पीड होगी, पंखे की स्पीड होगी, पंखे की 3 स्पीडें दी हुई हैं। जी जी जी। ठीक है। और ये बर्म लगाया हुआ है, इसका क्या उपयोग है सर? सर, जैसे कुछ दाना वगैरह रह जाता है ना, वो बर्म से वापस चला जाता है। अच्छा 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 जी सर। और जैसे यहाँ से जो गाठली आती है, यदि उसमें दाना आता है तो वो भी इसके द्वारा पीछे चला जाएगा, फिल्टर होके और बिल्कुल साफ स्वच्छ माल निकले। जी जी। ये फैन की बात करें तो कितने फैन मॉडल है ये? सर, ये 4 फैन मॉडल है जी। जी जी जी। 1, 2, 3 और तीसरी वो फूकी वाला। फूकी वाला। हाँ हाँ हाँ। और इसमें ये कितने व्हील का लगे हुए है इसमें? सर, इसमें 2 व्हील लगे हुए हैं, एक तो आगे फैन में लगा हुआ है। हाँ, और हाँ, दूसरा ड्रम में लगा हुआ है। जी जी जी। और एक क्वांटल के आसपास है दोनों व्हील, एक एक क्वांटल के। अच्छा अच्छा। जिससे मशीन, सर इसको मशीन को चलाने के लिए कम से कम कितने एचपी ट्रैक्टर की आवश्यकता? सर, कम से कम 50 HP ट्रैक्टर इसके लिए चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एलिवेटर लगाया हुआ है, एलिवेटर सिस्टम लगाया हुआ है, इससे अनाज बोरे में और सीधा ट्राली में। सीधा ट्राली में। जी जी जी। और ये जो प्रोडक्ट है, जैसे धान की फसल है जी, उसके जी। लिए टोकरी से खिंचाई करेगा कि साइड से? सर, वैसे तो टोकरी से भी लगा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कस्टमर के ऊपर डिपेंड है जी, उसने कैसे निकालनी है, फीडर से निकालनी है कि सूपे से निकालनी है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से। वो अपनी सुविधा के हिसाब से। जी जी जी। तो इसमें एक अलग से यहाँ गियर बॉक्स दिया हुआ है ये? सर, ये इसका क्या सिस्टम है? सर, ये फीडर के लिए दिया हुआ है जी। फीडर जैसे फीडर राउंड सीधे उल्टे और फीडर को स्टॉप करने के लिए। जी जी जी। ये 3 स्पीड और इसमें फीडर की भी 2 स्पीडें हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है जी। और यहाँ से सिंगल स्पीड और डबल स्पीड हो जाता है ये। अच्छा अच्छा, इसको चेंज करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर उधर करोगे तो फीडर के आरपीएम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी जी जी। इधर रहेगा तो नॉर्मल जो भी इसके चक्कर रहेंगे। जी जी जी।
जैसे अभी ये लीवर लगा हुआ है जी जी, इसकी अलग अलग पोजीशन में क्या रहता है? जैसे अभी ये अभी सर ये सीधा चलेगा हाँ जी हाँ जी, और इसको ये बैक चलेगा हाँ। मतलब यदि जब सेंटर में हाँ। करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, यहाँ सेंटर में करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा जी। हाँ हाँ, जैसे टोकरी अंदर कहीं माल जाम आम हो रहा है तो अपन इसको टोकरी को रोक सकते हैं जी। जी जी जी, और इस पे जैसे किसान भाई इसको खरीदता है और किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत आती है तो कंपनी वो तो सर कंपनी की तरफ से फुल सपोर्ट रहती है जी जी। हर एक एरिया में, मतलब कि एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मालवा के सभी जगह डीलर हैं जी जी, और मालवा का थ्रेशर पूरे इंडिया में ही सेल होता है। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर्विस के लिए कोई भी प्रॉब्लम आएगी। बाकी हमारे लड़के फील्ड में रहते ही है, रूटीन में कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे लड़के सॉल्व करते ही है, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी सर्विस की कस्टमर को नहीं प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जी जी। मालवा बहुत पुराना ब्रांड है, हाँ काफी टाइम से चल रहा है जी जी जी। ठीक है, तो कोई आज तक हमने कस्टमर को दिक्कत आने भी नहीं दी। हाँ यहीं से, और सर इसके साथ में जो छन्ने वगैरह है, ड्रम जाल वगैरह है, किसान के हिसाब से कैसे क्या उपलब्ध रहते हैं? सर क्रॉप के हिसाब से रहते हैं जी जी। अलग अलग एरिया में अलग अलग, जैसे धान, गेहूँ, सरसों, मूंग, चना, तुअर, उड़द, मक्का, जो फसल के हिसाब से जो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जी जी, उसी हिसाब से हम ड्रम जाल और छन्ना जाल देते हैं। ऐसे मूंगफली भी निकल जाता है? हाँ जी, मूंगफली भी निकल जाता है। तो किसान भाइयों, सर ने इस थ्रेसर की जो धरती माता में जो भी फसल होती है सारी क्रॉप निकाल सकता है इसका, इसलिए इसका नाम क्रॉप चैंपियन। सर ने बहुत जानकारी दी, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी फैक्ट्री में आए और आपने कस्टमरों को बताया थ्रेशर के बारे में, जी, जी। क्या ऐसे चलता है, क्या होता है जी, जी, और जी। कस्टमर कैसे ले सकते हैं वो आप अपने YouTube चैनल पे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, नमस्कार जी, नमस्कार जी।